नमस्कार, पंपोरी न्यूज एजेंसी में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचार पर। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधसंरचना को साफ सुथरा करना है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ और सुंदर भारत का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था। स्वच्छता अभियान के तहत सड़कों पर कूड़ा फेंकना मना है और इसी के उपलक्ष्य में F-33 BN CRPF वालों ने कल डोडा में एक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने कैंपस के साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्र को भी साफ किया। ये स्वच्छता पखवाड़ा 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बस यही है, एक अपना स्वच्छता पखवाड़ा का एक अपना मिशन है, जो कि 1 दिसंबर से लेकर आपका 15 दिसंबर तक मनाया जाता है इसको। तो इसमें आपका भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी आपका शेड्यूल बनाया गया है इसमें, तो इसमें अपना कैंपस सब की भी सफाई है और बाहर का भी अपना पब्लिक के अवेयरनेस भी करना, फिर स्कूल कॉलेजेस जो भी जहाँ का बस स्टैंड हो गया, जो भी एरिया होगा इनका भी साफ सफाई। तो इसका मेन मकसद यही होता है हमारी तरफ से, क्या पब्लिक के अंदर में अवेयरनेस फैलाना साफ सफाई कितनी ज़रूरी है। आपको पता है हमारी देश भर में आजकल हर जगह पे ही चल रहा है, तो ये हमारी प्रयास है जिसके माध्यम से पब्लिक के अंदर में अवेयरनेस लेकर आना साफ सफाई। हम जैसे घर में रहते हैं साफ सफाई करके, अगर हम आपके बाहर को भी साफ सफाई रखेंगे तो हमको हर जगह पे अच्छा लगेंगे, हम स्वस्थ सांस लेंगे और हम सही रहेंगे। ओके, थैंक यू।